इस सफर में अब तक रतन का साथ दिया उनके कई करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने, और कुछ आए हुए दूल्हों ने भी। कल ये सफर पहुंचा रस्मों और रिवाजों पर, जहां रतन ने बटोरे हैं कई खुशी के पल, और हुई रतन की हल्दी और मेहंदी पूरे जोश और जश्न के साथ। और आज इन्हीं रस्मों और खुशियों को आगे बढ़ाएंगे रतन के खास दोस्त और रिश्तेदार संगीत के मंच पर। सबसे नशीला है जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, जहाँ शामिल होंगे सभी लड़के वाले और लड़की वाले। आइए देखते हैं। चले गए थे तुम दोनों? क्या बात है ठाकुर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुना है आज रतनगढ़ में बहुत रौनक जमने वाली है, रतन का संगीत है। दुल्हन भी आएगी, दूल्हे भी आएंगे, और गब्बर नरिहर गब्बर भी आएगा, और मुझे गब्बर जिंदा चाहिए। मैं कहता हूँ लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। लोहा गरम है, लेकिन मार्केट में उससे भी गरम हवा है कि रतन की शादी किससे होगी। दुल्हन एक और दूल्हे तीन, बहुत नाइंसाफी है ये। ये तो गब्बर का डायलॉग है। रतन के स्वयंवर में होगा वही जो सोचा नहीं, मुझे रतन के संगीत में रौनक चाहिए। नाचने गाने का बंदोबस्त ठीक ठाक होना चाहिए, और साथ में मुझे गब्बर चाहिए, वो भी जिंदा। आपको जो चाहिए मिलेगा, लेकिन बदले में अली चाहिए है? और वो भी बिना इस मूंछ के, अली के हाथों के साथ। ओह, मेरे हाथ आ गए। ओहो, वेलकम टू स्वयंवर सीजन 3 का शानदार संगीत। मेहमान आ गए, चलो चलो। अली भाई, मैं आज सबसे पहले इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारा धूम धड़ाका और बहुत सारी मस्ती होने वाली है, और मैं एक पल भी मिस नहीं करना चाहता था। लेकिन एक और रीजन है कि मैं जल्दी आया हूँ। एक बींद ही एक बींद का दर्द समझ सकता है। कल फैसले की रात है, और हम सब जानना चाहते हैं कि रतन किसको चुनने वाली है। अभी एंट्री लेने वाले क्या है, एंट्री ले ही रहे, देखो आ गए वो। हाँ, उनका स्वागत करते हैं। अली भाई, आज स्वागत करो, मैं तैयारी करके आता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। Bye, bye, yeah.
इन्हें अब जॉइन करना पड़ेगा। आगे इस तरह, आगे इस तरह, और बाकी मेरे पीछे। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते। आप कितनी एक्साइटेड हैं रतन को अपनी बहू देखने के लिए? बहुत एक्साइटेड। बहुत ज्यादा। क्यों? कभी नहीं सोचा था कि एक सेलिब्रिटी मेरी बहू बनेगी। अच्छा। तो आपको एक्साइटमेंट बहू लाने में है या रतन जो कि सेलिब्रिटी है उसे बहू लाने में? रतन जो सेलिब्रिटी है वो बहू आप बन के आ रही है, इसमें एक्साइटमेंट है। वो देखो चांद निकल आया। देखकर ऐसा लगा जैसे कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई। रतन का लहंगा इतना सुंदर लग रहा था उसके ऊपर, उसके चेहरे पे एक शर्म, हाया, खुशी, सारे रिएक्शन एक साथ देखने को मिले। सच कहूं तो महफिल में चार चांद अब लगा है, है ना? क्या है? हाँ, चार चांद मतलब तीन चांद उधर है, एक चांद इधर। हाय हाय, तालियां, अभी के तालियां। उर्मासी का चांद, उसमें अमावस का क्या काम हो जाता है? और आंटी कैसा लग रहा है आपसे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो रतन को देख के अच्छा लग रहा है, दूसरा आप लोगों से मिलके तो और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक हम आपसे नहीं मिले थे और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। और रतन के लिए तो मैं कुछ और बोलना चाहूँ। एलिमिनेशन प्लेटफॉर्म पे जब लड़कों को खड़ा करती थी उस समय बड़ी कॉन्फिडेंट होकर खड़ी होती थी, हाँ? और आज आज कॉन्फिडेंस कहाँ गया बेटा? माँ माँ नहीं होती, माँ तो लड़के के लिए होते। एक बार मैं भी शेयर करूँ, मैं भी बॉर्डर। पूछा क्यों? पूछा क्यों? पता नहीं किसको चूज करोगे, उसमें हो सकता है मेरा बेटा भी। चूज करने से डर है? चूज करने से डर है? सांस बनने से डर है? चीज पर्सन के अंदर चूज करने से सांस बनने के बड़े हो जाएंगे। ओ, ओ, सीधी नहीं करा। बराबर दिमाग। बोलो बोलो। तुमको देखा तो सीटी बज गया। संगीत का माहौल है तो नाचने गाने में मेरे पैसे बहुत हुए है, तो वो जाया नहीं होना चाहिए। लोगों ने बड़े मेहनत मुशक्कत से पसीना बहा बहा के प्रैक्टिस किए, किसी के यहाँ पे लचक आ गए, किसी के वहाँ पे भी लचक आ गए, समझ जाती।
जम्मू अब तो मुझे बता रही हूँ क्योंकि क्या है पेट में ना वो हो रहा है गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है क्या होने वाला है क्या होने वाला है अच्छा तो एक बात दूल्हे का तुम्हारा बता तेरी फेवरेट टीम में से सास कौन सी वो तो बता दे तीन बच्चे तीन दूल्हे चले गए तीन से ना पता नहीं खत्म कर दूंगी चलो अच्छा तेरी सासू से मिलकर आती है कितनी अच्छी है मैं जरा देख कर आती हूँ।